नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनबी टीवी में। शांति और मानवता का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन पूरे विश्व भर में जहां बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी आयोजन की धूम देखी गई। हर्षोल्लास के वातावरण में समस्त समुदाय के समस्त धर्मों के लोगों ने एकत्रित होकर प्रार्थना सभा में सहभागिता की। स्थानीय चर्च में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान जहां मसीही समाज के लोगों की काफी बड़ी संख्या थी, तो वहीं दूसरी ओर सारे वर्ग और समुदाय के लोग यहां एकत्रित थे। यहां पर प्रार्थना की गई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। आइए एलएनबी टीवी के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं किस प्रकार की स्थिति यहाँ थी, किस प्रकार का नजारा था, किस प्रकार कार्यक्रम को यहाँ पे संपन्न कराया गया। तो देखिए एलएनबी टीवी की यह खास रिपोर्ट। को मानवता और विश्व शांति का पाठ पढ़ाने वाले शांति के दूत प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस जहाँ पूरे विश्व में हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर चर्च पे आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रार्थना की गई, केक काटा गया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। पदसेवी विवर्तलाल ने अपने शुभकामना संदेश में एलएनबी टीवी के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो आज यहाँ चर्च में उपस्थित हुए, केक को काटा गया, खुशियाँ जो हैं वो बांटी गई। प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो प्रेम का संदेश है। बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए उसने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा। और यही प्रेम का संदेश है जो बांटने का प्रयास है मसीह समाज के द्वारा दमोह नगर में। मैं दमोह नगर वासियों का आभार मानता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस विशेष दिन जो क्रिश्चियंस के जीवन का और वर्ष का एक विशेष दिन होता है उसमें वो जो है अपनी उपस्थिति का दान चढ़ाया है, अपनी शुभकामनाएं दी है। मैं चाहता हूँ कि यही प्रेम और यही सद्भाव और यही जो भाईचारा है वो नगर में निरंतर बना रहे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस नगर को बेहतर बना सकें, जिससे हमारा राष्ट्र जो है वो विकसित हो सके। धन्यवाद। क्रिश्चियन समुदाय की ओर से मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्रिसमस का त्यौहार, प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम, दया, क्षमा का व्यवहार करते हुए, समानता का व्यवहार करते हुए, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि शांति का राजकुमार बन के वो इस संसार में आए और इस जग को बचाने के लिए इस जग के उद्धारकर्ता बनकर भी आए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के संदेशों पर चले और आपस में मित्रवत व्यवहार करते हुए अपने शहर को, अपने समाज को और अपने आपस के समाज से भी। डॉक्टर अजय लाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि सारे मसीह समाज की ओर से और सारी मसीह संस्थाओं की ओर से मैं नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ के समाज का, क्रिश्चियन समाज का अध्यक्ष होने के नाते आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद वर्ष भर आपके सहयोग के लिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसकी क्षमा हमारी जिंदगियों में बनी रहे, क्योंकि ये क्षमा की भावना और प्रेम की भावना है जो हमारे संबंधों को मजबूत करती है और यही हमें एक इंसान के रूप में इंसान से जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है, और इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म। तो आप सबों को बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई। आप सबों ने आज की आराधना में यहाँ भाग लिया और हम सबों को प्रोत्साहित किया। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद। इस अवसर पर दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया, कांग्रेस से अजय टंडन तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के यहाँ पर नेता एवं बड़ी संख्या में विभिन्न वर्ग और समुदाय के लोगों की उपस्थिति रही, जिन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। तो इन समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।